गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास यूकेजी। टुडे आई स्टडी मैथ। आज हम आप लोगों को मैथ पढ़ाने वाले हैं। और ये देखिए आपका न्यू बुक है मैथ का, जो लिखा हुआ है किड्स मैथ, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है कंपैरिजन, और जिसमें कुछ फोटो दिए हुए हैं। और कंपैरिजन का मीनिंग होता है तुलना, यानी कि हम लोग को तुलना करा है कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आप लोग चाहें तो एक तरफ फोटो देख सकते हैं इस बुक में। बुक में फोटो अगर देखिए हम लोग तो दिया हुआ है, सबसे पहला जो वायलिन हम लोग देख रहे हैं, इस वायलिन में ऊपर वाला बड़ा है तो इसका लिख दिया गया है बिग, और नीचे वाला छोटा है तो लिख दिया गया है स्मॉल। यानी कि जो बड़ा होता है फोटो उसको बिग लिखा जाता है, और जो छोटा होता है उसको स्मॉल लिखा जाता है। अगर इस तरफ देखें तो यह मंकी छोटा है इसीलिए लिखा गया है स्मॉल, और यह मंकी बड़ा है इसीलिए लिखा गया है बिग। स्टूडेंट आगे लिखा हुआ है टिक द बिगर एंड क्रॉस द स्मॉलर वन। जो आपको इसमें फोटो दिया हुआ है, इसमें जो बड़ा फोटो है उसमें आपको सही का निशान लगाना है, और जो छोटा फोटो है उसमें क्रॉस कर देना है। तो हम लोग देख कह रहे हैं कि इसमें जो ऑल है वह बड़ा है, तो इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे और इस बटरफ्लाई में क्रॉस कर देंगे। स्टूडेंट हमने इस तरफ पूरा मीनिंग लिख दिया है, जिसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और उसकी सहायता से इसमें का सारा फोटो देखकर आप सॉल्व कीजिएगा। आगे की बात करें तो आगे आप लोगों को लिखा हुआ है बिगर और बिगेस्ट, जिसमें बताना है कि बड़ा है और कौन सबसे बड़ा है, कौन किससे बड़ा है, और एक स्मॉलर और स्मॉलेस्ट है जिसमें बताना है कि छोटा है और कितना छोटा है, किससे छोटा है, इन सबों के बारे में हमको इसमें बताना है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखें तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है खाली स्थान इज द बिगेस्ट वन, यानी कि सबसे बड़ा इसमें से फोटो में से कौन है। तो हम लोग को तो दिखाई दे रहा है कि एलिफेंट इसमें सबसे बड़ा है, इसमें हम लोग एलिफेंट भर देंगे। आगे भी इसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे और भरेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में भी मेरा इसी प्रकार से है, और इसमें भी मेरा इसी प्रकार से है। स्टूडेंट चलिए हम लोग मीनिंग को डिस्कस करते हैं और समझते हैं और इसको याद करते हैं। देखते हैं बिग लिखा हुआ है बी आई बी, यानी कि बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा। आगे लिखा हुआ है एस एम ए डबल एल स्मॉल, स्मॉल मीन्स होता है छोटा। आगे लिखा हुआ है बी आई डबल जी ई आर बिगर, बिगर मीन्स होता है उससे बड़ा। बिगेस्ट की बात करें तो बी आई डबल जी ई एस टी बिगेस्ट मीन्स होता है सबसे बड़ा। एस एम ए डबल एल ई आर स्मॉलर मीन्स होता है उससे छोटा। एस एम ए डबल एल ई एस टी स्मॉलेस्ट मीन्स होता है सबसे छोटा। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास यूकेजी आप लोग इसको खूब मीनिंग याद कीजिए, खूब घर पे पढ़िए। बाय बाय, टेक केयर, गुड आफ्टरनून।